नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में कंजुगेशन का प्रयोग कैसे करना है वो सीखेंगे। यदि आप पटवारी, छात्रावास अधीक्षक या व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक करके, वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करके, नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण कंजुगेशन का प्रयोग हमें कैसे करना है। पहला प्रश्न है, द मेन जॉब ऑफ अ कंजुगेशन इज टू खाली स्थान टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कंजुगेशन का मुख्य कार्य वाक्यों को क्या करना है। दो वाक्य है उसमें कंजुगेशन का क्या रोल होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इन्वर्ट, कंपेयर, ज्वाइन, नन ऑफ दिस। तो कंजुगेशन का मुख्य कार्य दो वाक्यों को जोड़ना होता है। तो ऑप्शन सी ज्वाइन दिया है। जैसे कि हम देखें, विच फ्रूट डू यू लाइक, मैंगो और एप्पल। तुम्हें कौन से फल पसंद है, आम या सेब। तो इसमें हमने और कंजुगेशन का उपयोग किया है। दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड कंजुगेशन। इसमें से कंपाउंड कंजुगेशन कौन सा है। ऑप्शन देखें, सो बिग दैट, एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, नन ऑफ दिस। तो इसमें कंपाउंड कंजुगेशन एज लॉन्ग एज है। विच ऑफ द कंजुगेशन ज्वाइंस टू पार्ट ऑफ खाली स्थान अ सेंटेंस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। इसमें ग्रामर के आधार पर समान है वो कौन सा है वो देखते हैं। बैलेंसिंग, सब ऑर्डिनेटिंग, को ऑर्डिनेटिंग, नन ऑफ दिस। तो इसमें को ऑर्डिनेटिंग सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न है, द वर्ड ऑल्टो कैन बी यूज टू ज्वाइन अ डिपेंड क्लाउज टू अ। ऑप्शन देखें, डिपेंड क्लाउज कंजुगेशन, मेन क्लाउज, नन ऑफ दिस। तो इसमें आएगा मेन क्लाउज। आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर, कोऑर्डिनेशन कंजुगेशन ऑलवेज कम खाली स्थान द वर्ड्स आर क्लाउसेस दैट दे ज्वाइन। तो इसमें आएगा बिटवीन। छठवा प्रश्न है, द वर्ड इन, बट एंड सो आर ऑफ्टन क्लासिफाइड एज खाली स्थान कंजुगेशन। इसमें हम इन, बट और सो को कौन से कंजुगेशन में रखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग, डिपेंडेंट, नॉन ऑफ दिस। तो हम एंड, बट और सो को कोऑर्डिनेटिंग कंजुगेशन में रखते हैं। तो ऑप्शन ए कोऑर्डिनेटिंग सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजुगेशन कम्स खाली स्थान ऑफ अ डिपेंडेंट क्लाउज। एट द स्टार्ट, इन द मिडिल, एट द एंड, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजुगेशन प्रारंभ में रखा जाता है क्लाउज के, तो सही जवाब होगा एट द स्टार्ट। आठवां प्रश्न है, द वर्ड्स ऑल्दो, सिंस एंड अनलेस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन कंजुगेशन। कौन से कंजुगेशन का है, सब ऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिपेंडेंट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा सब ऑर्डिनेटिंग। नौवां प्रश्न है, अनदर वर्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट क्लाउज इज अ। यूनिक क्लाउज, मेन क्लाउज, सिंगुलर आर प्यूरल, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा मेन क्लाउज। और यदि आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, विनय स्टडी कैन 2.0। दसवां प्रश्न है, व्हेन एंड इज यूज्ड विथ द लास्ट वर्ड ऑफ अ लिस्ट अ कॉमा इस। यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ये किसके लिए है, ऑप्शनल के लिए, नेवर यूज के लिए, रिक्वायर्ड के लिए, नन ऑफ दिस। तो इसका उपयोग हम ऑप्शनल के लिए करते हैं। साथियों, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आप हमारे इस आईडी में फॉलो कीजिएगा, देखिएगा
बहुत कम फॉलोवर्स हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमें फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।